सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। मिले कि नहीं और कितनी देर फोन पर बात करेगा? जब से देख रहा हूं तो फोन पर ही बात कर रहा है। तुम जैसे को अपने पास रखकर मैं बर्बाद हो गया हूं। जानो तुम भी ना, 50 साल तक साथ में जिएंगे ऐसा कहा था और अब कह रही हो साथ में मरेंगे। 50 साल क्यों? इन 5 दिनों में ही हमें जिंदगी के 50 सालों में जितनी प्यार खुशी की जरूरत है उतनी मिल गई है। दफार, गेट उठाना। अबे 10 मिनट पहले डालना चाहिए, आधा घंटा पहले डालकर बैठा है अनाड़ी कहीं का थू। तो इसमें मैं क्या करूं? सिग्नल मिला तो गेट डाला ना मैंने। अरे वाह, अबे तेरे भरोसे अगर कोई सुसाइड करने चला होगा ना तो बेचारा वहाँ से कंटाल कर चला जाएगा। कम से कम एक जान बचाने का तो पुण्य मिलेगा। अबे एक जान को बचाने के लिए तू इतने सारे लोगों को धूप में खड़ा रखेगा? अबे मरने के बाद तू नर्क में जाएगा और भगवान तलेगा तेरे को अच्छे से। आपकी दुकान में जितनी भी सीढ़ी है ना वो सब के सब मैं देख चुका हूँ। मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, जा मैं शराब देता हूँ तुझे। जलेबी की तरह तलेगा भगवान तुझे। क्या जानू, मैं तुमसे कब से मांग रहा हूँ तुम मुझे दे ही नहीं रही हो। सुबह सुबह जब तुम मुझे किस देती हो ना तो वो मेरे लिए मॉर्निंग कॉफी की तरह होती है। तुम मुझे दोगी या नहीं दोगी? देखो अभी अभी दुकान खोली है, मैं पूजा कर रहा हूँ। देखो दुकान पर रंगा आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सारी रात फोन अपने कान पर रखे मुझे परेशान किया, अभी भी तू वही काम कर रहा है। किससे बात कर रहा है? दुकान खोल कर ऐसा काम ना करने के लिए मैं तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ। माँ कसम ऐसा रहेगा ना तो धंधा आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं तुमको बाद में मैसेज करता हूँ, ठीक है? ओहो, पुरानी फैमिली को तूने एक ही बार में होलसेल में किस दे दी क्या? ये सब कुछ तो नहीं समझेगा रंगा, फोन कट करने से पहले अगर किस नहीं दिया तो मेरी लवर को डाउट हो जाता है। अरे डाउट है तो फिर लव काई को करते हो? थू, जा अपना काम कर। हाँ जानू, बहुत सारा काम पड़ा है अंदर, शाम को फोन करता हूँ। लव स्टोरी की सीढ़ी नहीं मिलती बॉस, ओनली एक्शन एंड कॉमेडी। लव स्टोरी की सीढ़ी नहीं है तो दुकान में ताला लगा दो, कोई और धंधा कर लो। देख कमीने, लव स्टोरी की सीढ़ी नहीं मिलती तो मैं अपने दुकान को ताला क्यों लगाऊं? मैं जो लव करते हैं उनको लव करना बंद करने को बोल। हिस्ट्री पढ़ी है क्या तूने? पढ़ी है क्या?
लैला मजनू रोमियो जूलियट सलीम अनारकली ये सब तो प्यार करने के बाद ही मर गए ना। भाई साहब आप जानते हैं ना उस जमाने में मोबाइल नहीं था, अगर होता ना तो दोनों भाग जाते समझे। अच्छा तो आपके पास मोबाइल है ना सर, तो फिर आपका लव क्यों फेल हो गया? डेली 10 रुपए का रिचार्ज करने आते थे, अब तो बिल्कुल नहीं आते। रिचार्ज मैं ही करवाता था, आउटगोइंग दूसरे के पास जाता है, मेरे पास तो सिर्फ मिस्ड कॉल आता है, आखिर में मुझे टांग दे करके चली गई। अच्छा तो इसलिए तुम दिल वाले फिल्म लेने आए हो ताकि उसे देखकर तुम पागल हो जाओ। अबे चल निकल, अगली बार लव स्टोरी की सीढ़ी मांगने आएगा ना तो मार के रख दूंगा, चल निकल। आजा ठीक है भूत वाली फिल्म तो है ना। भग पे उड़ा कहीं का, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। क्या हुआ रंगा, सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? वो लव स्टोरी वाली फिल्म मांग रहा था इसलिए मारा उसको। क्यों रंगा, लव का नाम सुनते ही लाल पीले हो जाते हो? तुम्हारा कोई ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक है क्या? हेलो, मुझे पूछने से पहले बैंगलोर में ऑटो के पीछे जो लिखा रहता है उसे कभी पढ़ा है क्या? 100 में से कम 90 लोग तो लव के बारे में नेगेटिव लिखते हैं। लव के बारे में नेगेटिव लिखने वाले भी लव फिल्म को ब्लैक में टिकट लेकर देखते हैं। ऑटो के पीछे लिखा पढ़कर कुछ डिसाइड मत करो, हार्ट को देखकर डिसाइड करो। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, हाय डार्लिंग, वर्क बिजी और 4 दुकान है, वो हो गए तो वर्क फिनिश। यू प्लीज वेट, हाँ आई कम बाबा, प्लीज वेट, हाँ बाय। ऐसे क्यों देख रहे हो रंगा भैया? मेरा लवर है, फिल्म देखने जाना है, एक नई सिंपल लव स्टोरी। फुल इंग्लिश टचअप। वैसे तुम्हारा लवर करता क्या है? ऑटो ड्राइवर, चलती हूँ। हाँ अबे कालिए, सिस्टम ऑन किया कि नहीं? जानू मैं भी फोन रखता हूँ, रंगा फिर से बुला रहा है। क्या हुआ यार, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों दिख रहा है, क्या मैटर है? अरे और क्या मैटर हो सकता है, रात को लव स्टोरी वाली कोई फिल्म देखी होगी वही सोच रहा है। ओए, क्या संदीप भाई मेरी इमेज डैमेज करने जैसी बात कर रहे हो, ये लव करने वालों को देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार तुम लव को इतना हेट क्यों करते हो? अरे लव करने वाले कोई भी चैन से जी रहे हैं क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, 24 घंटा जब देखो फोन कान पे लगा रहता है, अगर बात करने का मौका ना मिले तो SMS करते हैं। अरे लव करने के बाद कोई अपनी पर्सनल लाइफ होती भी है क्या, जरा बताओ मुझे। सही बात है। अपना सारा टाइम टेबल उस लड़की के हाथ में होता है। ऐसी बात नहीं है यार, हमेशा बात नहीं करता हूँ, देखो अभी मैं फ्री हूँ ना। ए, अपना फोन लेके यहाँ से निकल, कभी सुधरेगा नहीं कालिया। यार हम लोगों को भी ना लड़कियों को समझाना पड़ता है, देखो अभी। हाय जानू, मैं अभी अपने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहा हूँ, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, बाद में फोन करूंगा, ठीक है? देख लिया ना यार, लड़कियों को हैंडल करने की अपनी अलग कैपेसिटी है, लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, फिर हम जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगी, कोई टेंशन नहीं होगा। हाय, बात करने जितनी आसान नहीं है जिंदगी, चल जा जा निकल जा ना इधर से। बन गया पोपट। ये सब कुछ देखकर मेरे दिल में भी प्यार करने की इच्छा जाग रही है भाई। अरे संदीप भाई, जब सर पे बाल थे तभी सोचना चाहिए था ना, अभी सोच के क्या करोगे? जब मेरे सिर पर बाल थे तो मैं सोचता था कि लड़कियां खुद आकर मुझसे प्यार करें, जब सिर से बाल गिर गए तो मैं किसी भी लड़की से प्यार करना चाहता तो वो मुझे रिजेक्ट कर देती, ऐसा कर करके उम्र बढ़ गई। उम्र तो सिर्फ शरीर के लिए होती है, दिल तो बच्चा है जी। हेलो, नाउ आई एम वेरी बिजी, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। अरे पहले लड़की की कुंडली और फोटो तो भेजो, उसके बाद मैं लड़के की डिटेल भेजूंगा, उसका पे स्केल देखते ही तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। हाँ अरे क्या बात है, एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी। क्या हुआ यार सिंगरे, गांव में सभी की शादी तुमने करवाई है, संदीप भाई के लिए एक लड़की ढूंढो ना। अरे छोड़ ना, इसकी एक्सपेक्टेशन की लड़की ढूंढना मुश्किल है, पैदा करनी पड़ेगी। ए सुन, एक लड़की शादी करना चाहेगा? सिर्फ एक ही। अबे एक तो करके देख, सक्सेसफुल हुआ तो दूसरी देखेंगे। उस लड़की की कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, तेरा टकला देख के फिदा हो गई है, अगर हाँ बोलता है तो 2 दिन में हो जाएगी। इतनी स्पीड में हो जाएगी? अरे उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, उसके अंदर वो सब कुछ करना चाहती है। सिर्फ 6 महीने ही टाइम है, ऐसा क्यों? अरे थोड़ी ऐसी वैसी है यार। ऐसी वैसी तो क्या तेरी एयरहोस्टेस ढूंढ के लाऊं? मेरे लिए इनकमिंग की जरूरत नहीं है, आउटगोइंग होगी तो चलेगा, इससे अच्छा तो मेरे होटल का लड़का ही है। ओहो अब समझा, हर 3 दिन में क्यों इसके लड़के काम छोड़ के चले जाते हैं? रंगा इसकी बात मत सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। देख, फूल ना निकलने वाला पौधा, दूध ना पीने वाला बछड़ा और प्यार नहीं करने वाले लड़के पर कोई भरोसा नहीं करता। खाना नहीं मिलेगा तो जी सकते भाई, लेकिन जिंदगी में लड़की नहीं हुई तो कैसे जिएगा? देख उसके सर पे भी कुछ नहीं और अंदर भी कुछ नहीं है, तू उसकी बात सुन रहा आगे तेरी मर्जी।
कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है? जानू धीरे धीरे बोलो, रंगा उठ गया। क्या सिगरे भाई, अर्ली मॉर्निंग फोन किया, रंगा के लिए कोई लड़की मिल गई क्या? रंगा, अरे तू लड़की को छोड़, यहाँ कर्जा देने वालों ने मुझे नंगा करके बैठा दिया है यार, जल्दी यार कुछ कर। तो कैसे लोग हो यार, चैन से सोने नहीं देते, अच्छे खासे नींद की वाट लगा दी। चल ठीक है रुक, मैं तेरा मैटर डिसाइड कर देता हूँ, आ रहा हूँ मैं। ना गियर के गाड़ी चला रही है, मेरी तो गियर वाली है। ओए मोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोड पे गाड़ी चलाने का सेंस नहीं है, टू व्हीलर से सीधा व्हील चेयर पर शिफ्ट हो जाओगी, समझे? जरा संभल के गाड़ी चला। माइंड योर ओन बिजनेस। बिजनेस ना, मेरा तो ओन बिजनेस ही है, सीडी शॉप अच्छा चल रहा है। अबे जा ना, अपना काम देख जा। स्मिता, उसे कहीं देखा है मैंने? कौन वो? कहाँ देखा है? अबे ये लव वाव मुझसे नहीं होगा, क्यों मुझे तू ऐसे टॉर्चर करता है? लास्ट बार हेल्प करना यार। तेरी तो, तुम लोग भी ना कैसे हो, हमेशा टॉर्चर करते रहते हो। अच्छा कहाँ है वो? वहाँ जो लड़की खड़ी है ना, वही है वो। हाँ वही है, दिखने में तो डिसेंट लगती है, जाके बोलना उसको। एक बार तुम जाके बोल दो ना भाई, चाहो तो रात में फूल पिला दूंगा। ड्रिंक का नाम लेकर तूने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये आखिरी बार है। अच्छा देखिए आखिरी बार है, इसके बाद लव अप का मैटर लाएगा ना तो मार खाएगा। ठीक है भाई, नहीं ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। अरे मैडम, आपका नंबर क्या है? What? फोन नंबर, मोबाइल नंबर। अरे भाई भाई भाई, वो नहीं, उसके आगे वाली, आगे वाली। सॉरी इसके साथ डील कैसे करूं, बहुत ही भयानक दिखती है, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो मुझे डोसा और चटनी बना के खा जाएगी, संभाल के डील करना पड़ेगा। तेरा नाम ले लेकर मुझे क्या? चोर? कौन चोर? मैं कोई चोर नहीं हूँ। क्या हुआ मैडम? अंकल इसने मेरा मोबाइल लिया। इनका मोबाइल दे। मुच्छड़ मामा, देख मेरे पास दो दो फोन है, जब दो फोन है तो मैं इसका फोन क्यों चोरी करूंगा? नहीं अंकल, इसने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। अरे मुझे अंकल मत बोलो, मेरा नाम गणेश है। मोबाइल देगा या इज्जत उतारू मैं तेरी? उसका मोबाइल दे। दूरक, चुपचाप खड़ा रहे। अरे कमीनो, एक बात बताओ, जब लड़की रोने लगी तो अचानक यहाँ पे आ गए? लड़की देखते ही तुम लोगों की लार टपकने लग जाती है। ए, चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो चलो। अरे भाई उस नंबर पर एक बार डायल करो, पता चल जाएगा फोन कहाँ है। आहा, क्या आइडिया दिया है गुरुजी। एक काम करो, नंबर ही अपना नंबर बताओ। 9901। आहा, क्या बात है, सबके मोबाइल आ गए, एक लड़की अपना नंबर बता रही है तो सब लोग आंग। ए, तेरा क्या है, चल हटना साइड। नंबर बताओ। 9901020527। अभी पकड़ा जाएगा चोर। फोन बैग में और सबको परेशान कर दिया। ओह माय गॉड, मेरे बैग में ही था। क्या मैडम, मोबाइल आपके बैग में है और हम लोगों को बेवकूफ बना रही हैं? ऐसा नहीं है अंकल, उसने लिया था लेकिन मेरे बैग में कैसे आ गया फिर पता से नहीं। अंकल बोली, जरा अपने आप को देख, ऊपर से नीचे तक आंटी लगती है तू। हाय सॉरी भाई। हाय सॉरी बोल रहा क्या है? I'm so sorry. It's okay, no problem. कभी-कभार धूप में ऐसा हो जाता है। आपको चक्कर आया होगा, आप छांछ पी लो और दोबारा चोर मत कहना, चलता हूँ। हमको मोबाइल नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। ये रंगा कोई भी काम डिफरेंट तरीके से नहीं करता, लेकिन किया हुआ हर काम डिफरेंट ही होता है, क्योंकि ये रंगा का स्टाइल है। Thank you.
अरे गुरु। हाँ भाई। वो लड़की आपको बुला रही है। ए, हट। अरे मेरे को नहीं भाई, तुमको बुला रही है। बाय। रुको रुको रुको, सिग्नल तोड़ के जाता है। हेलमेट किधर है? सर अर्जेंट है। चलो साइड में। अरे अर्जेंट सर, वो लड़की मुझे बुला रही है। अर्जेंट है, बाजू वाली गली में मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। चलो साइड में आओ। चलो चलो साइड में आओ। ए जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी आओ। डुप्लीकेट की सर, तुम कैसे से एस्केप होने के लिए मेरे पास दूसरी है। चलता हूँ वहाँ। ए ए ए रुको रुको रुको, मत जा। ए ए ए रुक रुक। मुझे क्या तुम लोगों ने बर्तन समझ के रखा है? घर के सामान को कुछ भी हुआ तो चलेगा, मगर मेरे सामान को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आएगा वो, अभी मेरा रंगा आ रहा है, वो मेरे लिए जरूर आएगा और तुम सबकी बैंड बजाएगा। इतनी देर क्या करती मेरे भाई? अच्छा हुआ तू सही टाइम पर आ गया। इन लोगों ने मिलके मुझे बाहर फेंक दिया, देख मेरा क्या हाल कर दिया। अब तू इन लोगों की हालत खराब कर सबकी बैंड बजा दिया। अरे वो सब लोग अंदर ही है, जाना उनकी हालत खराब करके आना। ए मेरा रंगा आ गया, तैयार हो जाओ पिटने के लिए। हाँ जा रहे। आजा, क्यों कैसी हालत हुई तेरी? चिंपांजी भी आ गया, आजा बेटा। खुश रहे। कैसा लगा मेरे रंगा का बैंड बाजा? लाइव टेलीकास्ट सी है क्या? अरे बैठे बैठे ही तू सपना देख रहा है। तूने तो कहा था कोई आने वाला है। जा जाकर उसे लेकर आ। जा। रंगा तू कहाँ रह गया था यार? देख इन्होंने मुझे आइटम डांस बना के रख दिया। अंदर था सबकी धुलाई करना। उन्हें मारने के लिए कहा था, मुझे क्यों मार रहा है? तुझसे कितनी बार बोला है कि पैसे ब्याज पे मत लिया कर। ब्याज से पैसा कमाने के लिए तो वो फाइनेंस का काम करता है, तो वो वसूल किए बिना छोड़ेगा क्या तुझे? अगर कैपेसिटी नहीं है ना तो सब कुछ बंद करके बैठ जा। क्या यही तेरा हीरो है? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे ये तो तेरे बारे में बहुत ज्यादा फेंक रहा। सर छोड़िए ना इसकी बातों को। ये जो भी कर्जा लिया है वो कल शाम तक मैं आपको लौटा दूंगा। ऐसे लोगों को आप पैसे देते क्यों सर? आप परेशान मत होइए, मैं कल सब सेटल कर दूंगा। ये है बात करने का तरीका। hey, बोला ना शाम को दे देगा। अब चलो। देगा बोला तो दे देगा ना। हाँ, चलो, चलो, जाओ यहाँ से। चलो। तेरी तो एक तो कर्जा लेता है, ऊपर से शांतपति भी दिखा देता। पूरा देश ही कर्जे पे चल रहा है, तो मैंने क्या गलत कर दिया? अरे क्या हुआ है हमें भी बता दे। अरे अपना पैर नीचे करो, बता हुआ क्या है? ये तो हंस रहा है, ये पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? यार ये तो प्यार का सिंबल है, लगता है कोई मिल गई इसको। कौन है? हमारे होटल का लड़का है। ए, वो तेरी बात नहीं कर रहा टकले, वो लड़की की बात कर रहा। हाँ तब ठीक है। अरे छोटे, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ये तो गूंगा हो गया। रंगू, मिस्टर रंगा। अरे तू अकेले अंदर अंदर ऐसे हंसता रहेगा तो हम पब्लिक को कैसे कुछ पता चलेगा? खुल्लम खुल्ला बता देना आखिर क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज। जब मैं तेरे घर पे आ रहा था तो सिग्नल के पास हाँ? क्या लड़की है यार। कौन लड़की? उसे तो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। दिखने में कैसी है वो? क्या मस्त दिखती है यार, उसकी स्माइल, हाथ उठाकर टाटा किया हुआ स्टाइल। आहा सुपर सुपर। अबे लड़कियां प्यार होने के बाद हाथ उठाती हैं, ये तो प्यार होने से पहले ही तुझ पे हाथ उठा के चली गई। यहाँ तेरा मामला नहीं पटेगा बे, रहने दे। उसे देखते ही कुछ अलग सी फीलिंग हो गई। अब वो लव है या क्या है
ये कंफर्म नहीं है। ए, वो लव है या नहीं है ये बात मुझसे सुन। आ बैठ, मैं तुझे ज्ञान की बात बताता हूँ। ओम रीम क्लीम, आंखें बंद कर। अब बता, अगर वो लड़की तुझे नजर आ रही है तो यस बोल। यस। अगर वो लड़की तुझे देख के हंस रही है, हंसेगी तो फिर यस बोल। यस। वो तुझसे मिलने के लिए भागती हुई आ रही है तो यस बोल। यस। वो भाग कर आते हुए तेरे बाजू में खड़े वाले से गले लग जाती है, बोल यस बोल। नो। छोटे, इसका लव तो कंफर्म हो गया, अब बाकी का हम देखेंगे। देख रंगा, कल सुबह तू वहीं पर जाना जहाँ तुझे वो लड़की मिली थी। वो लड़की वहाँ जरूर आएगी। अगर उसने तुझे देखते ही स्माइल पास कर दी तो तेरा लव सक्सेसफुल, और अगर नहीं किया तो फिर सब कुछ भूल जाना। ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। अब जब फ्रेंड्स हो तो जैसा बोलोगे वैसे ही करना है। हाँ ये फोटो सही है। हाय, एक गुड न्यूज है। यस, आई एम इन लव। फिलहाल तो वन वे है, उसे प्रपोज करने वाला हूं। अरे ऐसे कैसे होगा। हेलो, मेरी गर्लफ्रेंड वैसी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी मत सोचो। ए, प्यार होने के बाद दोस्तों को कोई भूलता है क्या? मैं तो वैसा नहीं हूं। See you. ए, ये कौन है यार, मस्त दिखती है, मैं भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं क्या? अबे गधे, तुम जैसे लोग कान में हेडफोन रख के बात तो करते रहते हो ना, अब ये भी चाहिए क्या? भाग यहाँ से, नहीं तो मार खाएगा। अरे मैं भी फ्री हूँ ना भाई, मैं भी चैट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अबे ये लड़का है, लड़की नहीं है, विजय नाम है। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ना उसने ऐसे फोटो डालकर रखे हैं। पागल मत बन, ये ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप्लीकेट प्रोफाइल है। ऐसा क्या, तेरी फ्रेंड कैसे बन गई? तूने प्रोफाइल में लड़की का फोटो लगा करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, सब पता है मुझे। हेलो, एक को लव करके दूसरे को फ्लैट करने के लिए मैं तेरी तरह नहीं हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मुझे बकरा बनाने की कोशिश तो कर रहा था। हाँ। लेकिन मैं भी कोई कम हूँ क्या? पक्का खिलाड़ी हूँ। ऐसा बेवकूफ बनाया, अब ये मुझे मान गया। अभी तो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरी जो बातें वो मैं उससे शेयर करता हूँ और उसकी जो भी सारी बातें वो मुझसे शेयर करता है। लेकिन पता नहीं ये बंदा अपना फोटो प्रोफाइल पे क्यों नहीं रखता। छोड़, मैं तो कब से इसका चेहरा देखना चाहता हूँ, जब दिखाएगा तब दिखाएगा। लड़कों से मिलकर तुझे क्या फायदा होने वाला है यार, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। मेरा फेसबुक दिखा है ना, नो बॉयज ओनली गर्ल्स। हेलो, हाय जानू, 100 साल की उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें याद कर रहा था मैं और तुम्हारा फोन आ गया। कैसी हो तुम? रास्ते में क्यों खड़ा, गाड़ी चलाना, चलना। अरे हट। अबे ए, चाय की दुकान पर वो लड़के मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो सब छोड़कर तू मुझे यहाँ सिग्नल पर इंतजार करवा रहा है। इसी टाइम पे बस आएगी, इसकी क्या गारंटी है? अरे यार, वो कोई गवर्नमेंट बस थोड़ी है जो नहीं आएगी, ये कॉलेज की बस है। कॉलेज बस का टाइम कभी मिस तो नहीं होता है। हेलो, उधर देख, कॉलेज बस आ रही है। कैसा पनौती चेहरा है तुम लोगों का, वो लड़की मिस हो गई। हाय, अरे बाप रे बाप रे बाप, इसका तो मामला सेट हो गया, इसकी तो बस अब ओनली आउटगोइंग, नो इनकमिंग। अरे यार क्या कमाल की लड़की पताई है इसने, बहुत अच्छी बात है। शाम को चाय की दुकान पर उसे लेकर आना भाई, स्पेशल चाय पिलाऊंगा मैं। अबे कैफे कॉफी डे और पिज्जा छोड़ के वो तेरे पास चाय पीने आएगा क्या? चल। अरे चुप रहना। बाय। ए,
तुम लोग अड्डे पे जाके रुको, मैं कॉलेज जाके आता हूँ। ओके ओके ठीक है बाय। ए जरा देख तो वो हमारे पीछे आ रहा है। ए रुको 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 बाहर बाहर गुरु 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 मैं 5 मिनट में जाके आता हूं। गर्ल्स कॉलेज अंदर नहीं जाओगे, चलो बाहर। डर था कि कहीं घर तक ना आ जाए। तुझे समझना मुश्किल है, जब वो सामने आता है तो तू उसे स्माइल देती है, टाटा करती है। मुझे एक बात तो बता, वो तुझे फॉलो करता है, ये तुझे पसंद है कि नहीं? पसंद है। ए देख तेरा हीरो आ गया। ए स्मिता चल चल जल्दी चल। अरे क्या परेशानी है, अभी तो बता रही थी ना तुझे पसंद है। अरे पसंद तो है, लेकिन अगर वो घर तक आ गया और पापा ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। वहाँ देख तेरी परेशानी समझ गया लगता है। ओके रंगा, अब तो सिर्फ लव डील ही करनी है, बस इतना ही ना। तलवार पकड़ के सामने वाले से डील कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़की को लव मैटर बताना ना सच में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी बोलो यारो, ऐसे फॉलो करके घूमने में ना बहुत मजा मिलता है। वन वे का मजा लेने के चक्कर में मेरी तरह अकेला मत रह जाना रंगा। अरे अपने दोस्त रंगा का लव मैटर है, मैं सब कुछ डीपली फील कर रहा हूँ। और हम लोग? अरे तुम लोग भी करो। ए छोटे हाँ? रंगा लव कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखो अपने रंगा का लव कभी फेल नहीं होना चाहिए। सुन यार, हम सब तेरे साथ है, तू आगे बढ़। हेलो, सिर्फ नशा करते समय साथ नहीं चाहिए, लव डील करते समय भी साथ होना चाहिए। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ ना तो मैं बताता नहीं हूँ, यू जस्ट फील इट एंड डू इट। ओए सिंगरे, उस लड़की के पास जाके आई लव यू बोलना और उस लड़की का भी मुझे आई लव यू टू बोलना, ये सब सीन नहीं चाहिए। अगर तुम लोगों को बोलना है तो सीधे सीधे जाके उसको बता दो, नहीं तो मैं अपने स्टाइल से उससे प्यार करता रहूंगा और हैप्पी रहूंगा। लड़की के पास जाकर आई लव यू तो तुझे ही बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलेगा तो उसे कैसे पता चलेगा तू प्यार करता है। यही तो रंगा का स्टाइल है। ए मैं एक आईडिया दूं। क्या? गेट अप, कम ऑन। गुड स्टार्ट विद महेंद्र सिंह धोनी हैविंग वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैक चीयर्स पेयर ऑफ सचिन तेंदुलकर डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पार्टनरशिप दे आर दे वांट टू गिव इंडिया अ गुड स्टार्ट। क्या है वह जो ग्रीन शर्ट पहन के खड़ा है ना, ही लव्स यू। ये तो मुझे देने लाए हो? नो, ये तो मेरे बॉस रंगा ने भेजा है। मैं तुम्हें नहीं जानती बेवकूफ, चलो जाओ यहाँ से। अरे यार ए, अपना तो ओपनिंग बैट्समैन ही आउट हो गया, क्या तू भी रे थूक। सचिन इतना महान बल्लेबाज है, वो भी पहली बॉल में आउट हो गया था, फिर भी इंडिया जीत गई थी। ए, इसको कैसे मारना है? उसने तुझे तेंदुलकर नहीं समझा, बंदर समझा था बंदर, इसलिए तो बंदर बोला था तुझे। तो अब क्या करें? रुक, वन आइडिया। कौन सा आइडिया? इस बार हमारा अगला खिलाड़ी होगा जयसूर्या। गेट अप। What a way to start the innings. Hi, I am Sandeep. So what? Take this. और क्यों? पूछ सकती हूँ? He loves you. उसने कहा और ये आ गया. Get lost. Why this cola very D? हाँ? अब वे चकले निकल गया. अरे इस चकले निकल गया. Very important wicket.
अरे अब क्या करें? तो चिंता मत कर, अब जाएगा अगला विकेट। मैच को कैसे जीतना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, देखते जाओ इंडियन कैप्टन धोनी कैसे खेलता है। ये सब बिल्डअप उस लड़की के सामने वर्कआउट नहीं होगा यार, मैं बेवकूफ बना, ये चिंपैंजी बना, तू पता नहीं क्या बनेगा। वेट एंड सी। हाय, दिस इज फॉर यू मैम। क्या है? टोकरी फूलों भरी। और ये सब क्यों? बिकॉज आई लव यू। What? I love you. गधा, बंदर, कुत्ता, चिंपैंजी, get lost! आप इतनी लंबी लंबी गाली देकर थप्पड़ मार रही हैं। लगता मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। ओ हाँ मैडम, सॉरी, कल पूरी रात हमने लव के बारे में फुल डिस्कस किया, दारू पी के फुल टाइट भी हो गए थे ना, तो दांत नहीं घुमा। मेरा मतलब बात नहीं घूमी। Don't misunderstand me. Take this. I am the last wicket. Cooperate करो ना। I love you. वो देख, वो इधर ही आ रहा है, तो आने देना, मैं किसी से नहीं डरती। हेलो, इतने दिन से जो चल रहा था वो मेरे फ्रेंड्स का स्क्रीन प्ले था, लेकिन अब जो चलेगा वो मेरा। ठीक से सुन लो, तुम कौन हो, क्यों स्माइल की, क्यों मुझे टाटा किया, ये सब मैं पूछने वाला नहीं हूँ, बट मेरे शिष्य को तुमसे प्यार हो गया है। शिष्य को? ये कौन सा नया कैरेक्टर है? शिष्य का मतलब ये दिल है, इस दिल को इस लड़की से प्यार हो गया है। क्या नाम बोला था तुमने? दिव्या। हाँ, रंगा वेड्स दिव्या, कैसा लगता है टाइटल? सुपर है। देखो क्या था वो? ए, अबे उठना। क्या हुआ? वो डायलॉग क्या था, बोलना। मैं कहा हूँ? अबे तेरी तो बहुत है। अच्छा, वो जी, आपकी वो हंसी, वो आपका थप्पड़ मार रहा, वो आपकी पायल की आवाज मेरे दिल में पार पार पार। चे, 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 बस, अच्छा, बस क्या इसने जो कहा है ना, वैसा ही सब हो रहा है। देखो अगर तुम ठीक से मान गई ना तो सिंसियरली डिसेंटली प्यार करूंगा, अगर यस बोलो तो टू वे, नहीं तो वन वे। देखो मैंने तुम्हें यहां पर रखा और मरते दम तक यहां से निकालूंगा नहीं। सोच लो, आराम से सोच लो, बहुत टाइम ले लो, अगली बार मुझसे परेशानी नहीं होगी। सोच लो, प्यार भी बहुत भारी है। ओ, अरे मार क्यों रहे हो? आ, ओ मत मारो। गाड़ी चलाता है, आवाज करेगा, अपने माँ बाप का कमाया हुआ पैसा हमारे ऊपर शो करेगा। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, बहुत साउंड करने का शौक है। रुक, तेरी तो अगर अगली बार ज्यादा आवाज करेगा ना तो साइलेंसर घुसा दूंगा तेरे मुंह में। देख तेरे लिए मारा है। ये क्या स्मिता, आज तो कोई भी नहीं आया। तो इस तरह से बिहेव करेगी तो कौन और क्यों आएगा? उसने इतना बड़ा डायलॉग बोला, तूने इतना सा भी रिस्पांस दिया, तूने तो कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। तो तुझे लगता है कि वो अब नहीं आएगा? देख दिव्या, लाइफ शॉर्ट है ये आजकल के लोग जानते हैं। जिंदगी भर एक ही लड़की को दिल में रखकर उसके पीछे पीछे घूमने का जमाना तो चला गया, वर्कआउट नहीं हुआ तो दूसरी लड़की के पीछे पीछे चला जाएगा वो। मतलब वो मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं करेगा? तो उसे पटेगी या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानती, बट इसके लिए तो सही वर्कआउट हुआ है, जरा देख उसे। इतना क्यों हंस रही है तू? He loves me यार। कौन? ये बुलेट वाला? ये बुलेट वाला नहीं, रंगा। He still loves me। ये कैसे कह सकती है तू? ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा, ये प्यार की भाषा है। चल बस आ गई। ठीक है चल। बच्चों के जैसे क्यों रो रही है? कहाँ चला गया वो? उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। क्या तू सच में उससे बहुत प्यार करती है? पता नहीं यार। क्या मतलब पता नहीं? तू जैसे लोग ना प्यार कर ही नहीं सकते, तुम लोग प्यार करते ही क्यों हो?
देखने के लिए एक दिन, बात करने के लिए एक दिन, ऐसा सालों तक करती रहती हो। तब तक उसने दूसरी लड़की को यहाँ रख लिया होगा। उसने तो कहा था कि मैं मरते दम तक उसके दिल में रहूंगी ना। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, समझ गई ना? अब शांत हो जाओ। हाँ यार, हाय, सॉरी, आई लव यू। प्यार जैसी खुशी और इस दुनिया में बेबी मूवी है क्या सर? सोल्जर है, दूं क्या? अच्छा जाने दो, कमांडो मूवी है? गुरु माय ऑटोग्राफ है, चाहिए क्या? ये क्या सर, आज तो आप कुछ और बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक्शन मूवीज रखते हैं, उस दिन आपने कहा था। उस दिन कहा था लेकिन आज कह रहा हूँ, सुन, रंगा के दुकान में आज के बाद सिर्फ लव स्टोरी की सीडी मिलेगी। एकदम मास से आप क्लास में शिफ्ट हो गए। मास क्लास ये सब कुछ नहीं होता, रंगा इज इन लव। सुपर सर। सर अब आप जल्द से जल्द शादी कर लो, ज्यादा दिन प्यार के चक्कर में मत रहो। लड़कियों के बारे में तो आप जानते ही हो, आखिरी समय में 2-3 इमोशनल डायलॉग बोलकर किसी और के साथ शिफ्ट हो जाती है। ए, लड़कों का आर्ट ना समंदर की तरह होता है, वहाँ प्यार की कोई कमी नहीं होगी। जाने वाला जाता रहता है, आने वाला आता रहता है। लोगों को प्यार देना ही अपना काम है। कुछ भी हो सर, आपका लव सक्सेस होगा। चलता हूँ सर। थैंक्स गुरु, बाय। अरे छोटे, चाय बोलना। हाय जानू। हाय शना, कहाँ हो तुम? रंगा और कहाँ हो सकता है, एक हमारे सीडी शॉप में या तुम्हारे हार्ट में। ओके ओके, मैं कॉलेज से निकल गई हूँ। ऐसा है तो मेरा सीडी शॉप क्लोज। Hey Disha, come on yaar. No baby, you carry on. अरे संदीप भाई, ये तुम्हारे सर पे क्या हो गया? क्या हुआ इसे? ए, अबे तू तो बता। अबे ये किसे देख रहा है? और ये लड़की इसे देख रही है? अबे बूढ़े टकले, ए संदीप, संदीप, हाँ, लगता है कोई नेटवर्क वर्कआउट हो रहा है। तुझे क्या लगता है, मेरा टावर कमजोर है क्या? सबको अपने जैसा समझता है। सिग्नल मिला क्या? अरे यार, सिग्नल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। टावर वीक होगा शायद। क्या? मेरा टावर वीक है? और नहीं तो क्या? तो क्या करना होगा उसके लिए? सोचने दे। ये क्या है? आई लव यू। No. You loves me. What? He loves you. Oh, really? Yeah. So nice. Thank you. Come on. Yeah. You love me? Yeah. You really love really, me? Really, yaar. Mujhse pyar karega? Pyar karega mujhse? रंगा का स्टाइल तो रंगा का ही होगा ना, बंदर का थोड़ी होगा, पागल कहेगा। हेलो। हाय। हाय, कहाँ हो? तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। यही चाय की दुकान पे हूँ। वो मैं जानती हूँ। तुम जानती हो वो कैसे? सर आप पीछे मुड़कर देखो। हे, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने चली आई।
प्लीज वेलकम। ये है तुम लोगों का अड्डा? हाँ ये है हमारा 5-स्टार अड्डा। ए संदीप भाई दो चाय देना। देता हूँ भाई। ये अपना सिंगरे भाई है, लड़कियों की फोटो बहुत रखता है ये। मैरिज ब्रोकर हूँ। हाँ ये जानती है। और ये अपना छोटू है, पहले तो बहुत ही अच्छा था लेकिन अभी पतला हो गया बेचारा। और ये अपने संदीप भाई, हमारे टी मास्टर। हाय अंकल। क्या अंकल, इसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अंकल जलन के मारे चाय में कुछ मिक्स मत कर देना। तुम जरा भी चिंता मत करो, सुपर चाय बना कर देता हूँ। सुपर चाहिए, कड़क चाहिए, एकदम मस्त होनी चाहिए। मेरी वाले मुझ पर फिदा हो जानी चाहिए, समझ गए ना? अपनी वाली को सिर्फ चाय की दुकान, जूस की दुकान, ऐसे ही जगहों पर घुमाते रहोगे क्या? लो, ये चलेगी ना तो पूरी दुनिया घुमाऊंगा इसे। चार धाम करवाएगा। ए रंगा, इस महीने में एक स्पेशल डे है, तुम जानते हो? स्पेशल डे क्या है? स्मिता प्लीज मत बताना। ए तू बताना। नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हेलो आंटी, फुल बॉटल वाइन दिलाऊं तो बताओगी? ए पागल, इसका बर्थडे है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बर्थडे क्या, क्या कहा बर्थडे? बेवकूफ कहीं की, सरप्राइज देना चाहती थी मैं इसे। पार्टी कब दोगी? ये अचानक इन्हें क्या हुआ? ऐसे उठकर क्यों चली गई? कौन था वो? मेरे भैया हैं, मेरे बड़े पापा के बेटे, उनका नाम सनी है। और उन्होंने कहीं हम दोनों को देखा तो नहीं ना? शायद नहीं देखा। थैंक गॉड। आज अपोजिशन पार्टी वालों ने महंगाई के खिलाफ स्ट्राइक करने की ठान ली है। इस सिलसिले में वो सीएम से भी बात करने वाले हैं। हाय डैड, हाय मॉम। अरे सनी इतना लेट क्यों हुआ? मैं खाना लगाती हूँ, आजा। फ्रेंड्स की पार्टी थी मॉम, वही खाकर आया हूँ। डैड, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या है बोलो। आज दिव्या को एक लड़के के साथ देखा मैंने, मेरे लिए ये सब कॉमन है। अगर आप ओके हो तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम। पी कर किसी को नशे में देख लिया होगा। ओवर रिएक्ट मत करो डैड, आपसे कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आपसे ये बातें कह देनी चाहिए बस। पब में हमेशा गंदी गंदी लड़कियों के साथ तू घूमता है, वो कैसी लड़की है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके बारे में कुछ गलत मत बोल, जा चुपचाप सो जा। मेरा फर्ज था आपको बताना तो मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। दिव्या। बड़े पापा। क्या बात है बेटी, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, मोबाइल पर गेम खेल रही थी। खाना खा ली बेटा? खा लिया बड़े पापा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है बड़े पापा। मम्मी डैडी को फोन किया था तुमने? आज ही उनसे बात हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। वो क्या है बेटा, क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं, कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई, यही सब पूछने के लिए आया था। गुड। अरे जान, तुम्हारा फोन ऐसे अचानक कट क्यों हो गया? वो अचानक बड़े पापा आ गए थे, मेरा मोबाइल चेक कर रहे थे, मैं तो बहुत घबरा गई थी, कहीं वो तुम्हें फोन ना लगा दे, इस बात से टेंशन में आ गई थी। यार लव में ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या कहा तुम्हारे बड़े पापा ने? इलेक्शन पास आ गए हैं ना, इसीलिए ज्योतिर्लिंग टेंपल में पूजा रखी है। सब लोग जा रहे हैं, वापस आते आते 2 दिन लग जाएंगे हमें। क्या कहा, 2 दिन? सुपर्ब। अगर ऐसा है तो 1 दिन मॉल में और 1 दिन पूरा बैंगलोर में घूमेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी उनके साथ जाने वाली हूँ। अरे तुम मत जाओ प्लीज। सॉरी रंगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो लोग मुझे साथ लिए बिना नहीं जाएंगे। अगर कहूंगी कि नहीं आ रही हूँ तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा। ठीक है, फोन पे तो बात कर सकती हो ना? उनके साथ रहूंगी तो थोड़ी मुश्किल होगी, बट एनी टाइम SMS कर सकती हूँ तुम्हें, ठीक है ना? लवर्स के लिए तो SMS ही ऑक्सीजन और किस ही ग्लूकोज होता है, टाइम टाइम पर मिस हुए बिना आना चाहिए। ओके ना? ओके रंगा, बाय। बाय मत कहा करो, मैंने कितनी बार बोला है। सॉरी 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 सोना, टेक केयर, लव यू सो मच। ओके, टेक केयर, लव यू।
तू देख रहा है ना मेरे भाई, हमें ज्ञान देने वाला आज खुद मोबाइल पकड़ के एसएमएस कर रहा है। देखा ना, ये भी आखिर फंस गया। लव है ये मेरे यार, लव। समुद्र में होने वाली सुनामी से कोई बच सकता है, लेकिन लव में पड़ने के बाद एसएमएस से बाहर आने का कोई चांस नहीं होता। दबा दबा मोबाइल में गड्ढा होने तक दबा। ए रंगा, ये देखो चंदन आया है। हाय गाइस। ए चंदन, चंदन। ए रंगा, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। हाय चंदन। हाय। हेलो। हाय। हाय मोटू, कैसा है? क्या यार, तू तो अचानक ही यहाँ आ गया। वैसे बेंगलुरु कब आया? बेंगलुरु तो मैं कल ही आया। सिटी शॉप में देखा तू नहीं था, तो सीधा मैं यहीं आ गया। पता था तू यहीं मिलेगा। एक गुड न्यूज बतानी थी तुम लोगों को। बोलना। मैं हैदराबाद में बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, फिर मैं हैदराबाद में ही सेटल हो जाऊंगा, यही बताने के लिए आया था। सुपर यार, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार। अकेले जा रहा है या मैडम को भी साथ में ले जा रहा है? मैं भी साथ में जा रही हूँ। लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शादी के बाद अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया तो वहाँ पर ये जरूर किसी दूसरी लड़की को पटा लेंगे। हेलो मैडम, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, ये तो 24 कैरेट गोल्ड है। अच्छा सुन, जब मैं हैदराबाद आऊंगा ना तो बिरयानी पार्टी देना। डेफिनेटली यार, तेरे अलावा और किसे पार्टी दूंगा? तो एक बार हैदराबाद तो आ। ए तुम लोग भी आना। ठीक है ठीक है। अरे आऊंगा। चलता हूँ। ओके, टच में रहना और अपना ख्याल रखना। अच्छे से जाना। बाय बाय। रेडी है? आइए आइए बैठिए। सर एक मिनट। कल सुबह 7 बजे हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। 8 बजे हवन शुरू हो जाएगा सर। दोपहर को पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद अन्नदान करके वहां से निकल जाना है। ओके। शाम को 7 बजे बर्थडे पार्टी अरेंज किया हुआ है, तो वहां का सारा अरेंजमेंट मैंने करवा दिया है सर। वहां आए हुए लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सबका ध्यान रखना। ओके सर। एक और बात। हाँ। देखो पार्टी मेंबर्स आ रहे हैं। हाँ। टेबल्स अरेंज करो। डेफिनेटली सर। गुड। ये साड़ी कैसी है? हाँ। इसकी बुट्टी बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है। और ये देखा आपने, यहाँ ये रहा पल्लू। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? Cheers. ओ, बड़ी पापा, बड़ी पापा, एक मिनट रुको। आप कह रहे थे किस बात की चिंता? अरे बड़े पापा वहां बाहर बैठे थे, पर क्या वो? ओह नो सनी भैया। हेलो। क्या जानू, मैं वॉशरूम में आकर बात कर रही हूँ, पता है तुम्हें? धुत तेरी तो, रंगा की लवर होने के बाद भी इतना डरती हो। जोर से बात करो। जोर से बात करूंगी तो बड़ी माँ को सुनाई देगा, मोबाइल छीन लेंगी मुझसे। दिव्या। ओह नो। दिव्या दरवाजा खोलो बेटा। अरे बाप रे। दिव्या। हाँ, आ रही हूँ बड़ी माँ। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है बड़ी माँ। ठीक है चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। ठीक है बड़ी माँ। शंका अब बस करो ना, सो जाओ प्लीज, किसी को मालूम पड़ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिनों की तो बात है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब सुबह बात करते हैं, ठीक है? मिस यू, लव यू अ लॉट शोना। वेट 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 वेट। गुड नाइट। Dialed is not reachable. Try again later.
ये क्या? फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? क्या हुआ होगा? हम दोनों की बात उसके बड़े पापा को पता तो नहीं चली ना? या कहीं दूसरे के साथ शादी? ऐसा तो टेंशन नहीं है ना? टेंशन है। सुबह होने के बाद भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अब क्या करूं? सुपर सर, पैक कर दो। ये लीजिए। थैंक यू। हाय जानू, बेवकूफ हो क्या? पूजा खत्म होने के बाद तुम्हें फोन करूंगी कहा था ना, इतनी क्या चलती है तुम्हें? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मेरे सारे घर वाले मेरे साथ हैं, फिर बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ठीक है, रखता हूँ। क्या हुआ, गुस्सा हो गए क्या मुझसे? सॉरी बाबा, सॉरी प्लीज। और नहीं तो क्या, रात 12 बजे से मैं तुम्हें फोन करके विश करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नॉट रीचेबल, और अभी फोन किया तो बात नहीं करना चाहती। सॉरी शोना, प्लीज। ठीक है, अब बताओ तुम कहाँ हो? मैं मंदिर में हूँ, पूजा चल रही है। ठीक है, तुम जहाँ पर खड़ी हो ना वहाँ पास ही में मंदिर का एक गुंबद दिख रहा है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? हाँ बताता हूँ, वैसे ही पीछे घूमो, एक बड़ी सी घड़ी दिखाई देगी। हाँ दिख रही है। अब देखो वहाँ पर नाग का एक मंदिर दिखेगा। हाँ वो भी है। जाओ वहाँ पर। पर क्यों? बताता हूँ, जाओ ना। हाँ ठीक है, अब बोलो। मंदिर के पास आ गई हूँ, अब क्या करना है? ऐसे ही अपने लेफ्ट में अबाउट टर्न करो, बाइक पर एक बंदर बैठा रहेगा। बाइक में बंदर? कहाँ? हे पर एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने का दिल किया इसलिए आ गया। बहुत खुशी हुई, पर उतनी ही टेंशन भी हो रही है, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। चले जाओ ना यहाँ से। इतनी दूर से मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ और ऐसे ही चला जाऊँ? कोई चांस ही नहीं है। बर्थडे सेलिब्रेशन और यहाँ पर? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे बस 5 मिनट का टाइम दे दो, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करके यहाँ से चला जाऊंगा। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है? स्पेशल गिफ्ट। हे, गोल्ड बैंगल्स। सब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए मोबाइल, टैब ये गिफ्ट में देते हैं, पर तुम तो पुराने जमाने के लड़कों की तरह गोल्ड बैंगल्स दे रहे हो। टैब मोबाइल देने वालों का लव बैटरी डाउन होने जैसा, उनका लव भी डाउन हो जाता है, लेकिन इस रंगा का लव सोने जैसा है, लाइफ लॉन्ग, पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच।
लव यू सोना। हाय, जान से मार दो इसे। बड़े पापा, रंगा। रंगा। छोड़ इसे, चलो। हे, छोड़ना नहीं उसे। जाओ, हट कर दो। गाड़ी में क्यों चल रहे हैं? अरे उतरो, अरे बोला ना उतरो। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पहले यहाँ से निकलिए सर, प्लीज सर। चलिए ना, ये कौन सी परेशानी है? बाप रे, चलो। क्या बात है, लड़की प्रेग्नेंट है क्या? है क्या सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं पूछो, लड़कियाँ इस उम्र में सिर्फ दो ही वजह से आंसू निकालती हैं, या तो तब जब वो तुम्हारे जैसे लड़के से धोखा खाती हैं, या जब वो खुद ही धोखा खाती है तब। ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? सर, हम दोनों लवर्स हैं। हाँ। इसके घर में सारी बातें पता चल गई तो हम दोनों को भागना पड़ा। हाँ। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें कोई रास्ता दिखाइए सर। देखो, यही सीधा रास्ता है और मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे जब पता नहीं है तो भाग कर क्यों आए? देखिए सर, हम इस तरह भागना नहीं चाहते थे। हाँ। लेकिन उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, और आपको तो पता ही है ना सर कि लवर्स कैसे होते हैं। सर, अब कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपका पैर पकड़ूं सर, प्लीज सर। देखो, हाथ हमें रास्ता दिखाइए सर, प्लीज प्लीज। देखने में तो तुम दोनों किसी अच्छे घर के लग रहे हो। चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। मेरी मंजिल। चलो उतरो। ये आप कहाँ लेकर आए हो सर? अरे सेफ जगह ले आने के बोला था ना, दुनिया में इससे सेफ जगह कोई नहीं है। चलो उतरो, मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। चलो उतरो। हे लता, लता। अच्छा, वो क्या है कि दोपहर को 2 बजे खाना खा करके सो जाती है। वो जानती है कि मैं उसे रात को सोने नहीं दूंगा। लता, हे, तुम्हें सुनाई नहीं देता? नॉनसेंस। ठीक है, अंदर आ जाओ। अरे बहुत थक गया हूँ, ये लो। हाँ? कपड़े बदल लो। ये लड़की कौन है? हाँ? लवर है। हाँ? बीवी के सामने तो अपने लवर को लाया है, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई? अरे हाँ? वो कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया था? ये दोनों लवर हैं, समझी? हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों लाए हो? कुछ भी बोलती है, चल। तू अपने इस पति से कब से सवाल पूछने लगी, बोल। पति बाहर से थक कर के आया है, उसका पैर धोकर सेवा करने के बजाय उससे सवाल पूछ रही है। जा जल्दी खाना लेकर आ, जा, चल निकल यहाँ से, जा जल्दी। जुबान लड़ाती है, डरने की जरूरत नहीं, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ
बीवी के सामने हमें कभी वीक नहीं होना चाहिए। अगर वीक हो गए तो अपने कब्जे में ले लेगी। तुम लोग आराम से रहो, हाथ मुंह धो, साथ में खाना खाएंगे। आता हूँ। ए बोल, क्या रे तेरा? अरे मार क्यों रही है? अरे माफ करते। क्यों रे? उन लोगों के सामने बहुत नाटक कर रहे थे क्यों? दिमाग तो ठीक है ना? कौन है वो लोग? वो लोग लवर्स हैं, मुझे रास्ते में मिल गए थे, हमें ड्रॉप कर दो कह रहे थे। रात हो गई इसलिए अपने घर लेकर आ गया। अगर तुम कहो तो अभी बाहर कर देता हूँ। रहने दो। मान गई। उन दोनों को सामने अपनी मर्दानगी बहुत दिखा रहे थे ना? अगर तुझे मर्दानगी दिखानी है तो मुझे दिखा। समझ गया ना मेरी बात? मैम साहब। अरे बाप रे, देवी चंद्रिका से बच गया। तुम लोग अभी यही बैठे हो, हाथ मुंह धोकर के आओ, साथ में खाना खाएंगे। सर वो साउंड वो साउंड जो मैंने उसे पहले दिया था लगता है कम पड़ गया, इसीलिए उसे एक और दे करके आया हूँ। बच्ची की तरह रो रही है अंदर बैठ कर। आता हूँ आता हूँ आता हूँ। ये सब तो हमारे घर में होता रहता है। तुम लोग जाओ हाथ पैर धोकर के आओ। क्या खुशबू आ रही है, मेरी बीवी चिकन मस्त बनाती है। बस चाहिए तो चावल कम खाओ लेकिन पीस ज्यादा खाना पड़ेगा, हमारे घर में मुर्गियों की कमी नहीं है। दो दो और दो और दो। अरे देख कह रही है डाल दा। खाओ 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 खाओ, आराम से खाओ। घुट लोगे क्या? क्यों पीते नहीं हो क्या? लड़की से शर्मा रहे हो क्या? असल में मर्द लोगों को मेरी तरह कड़क रहना चाहिए। मुझे देख रहे हो ना? सोडा लेकर आ। एक मिनट इधर आ। रहने दो कावेरी, पानी से काम चला लूंगा। किक थोड़ा ज्यादा चढ़ेगा और क्या। कैसे पीते हैं, बड़ी बदबू आ रही है। वहां खड़ी होकर टुकुर टुकुर क्या घूर रही है तू? मुझे चल जा, जाके बिस्तर लगा। उसके घूरने से लगता है मैं डर जाऊंगा। सर हाँ, हमारा यहाँ आना लगता है उन्हें पसंद नहीं है। हम दोनों की वजह से आप दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तुम लोगों की वजह से कोई झगड़ा नहीं होगा, हम दोनों में तो रोज ही ऐसा होता है। हम दोनों न्यूज चैनल की तरह है, अक्सर हम दोनों मामूली बातों में झगड़ा करते रहते हैं। तुम लोग खाओ खाओ खाओ, आराम से खाओ। तब तक मैं एक और ले लेता हूँ। खाओ खाओ। सर पानी? नीट पी ली थी, रोज का ऐसा है मेरा। चिंता मत करो, रखो वहाँ रखो। हाँ हाँ, खाओ खाओ खाओ। अरे अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खटिया को फर्स्ट नाइट की तरह डेकोरेट कर दिया है, लेकिन आज मुझसे नहीं होगा बेबी, बहुत थक गया हूँ आज मैं। तुझे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तू किस काम का? अपने जमाने में बैट्समैन की गिल्लियाँ उड़ा देता था। तू आ बैठ इधर। बहुत लोगों ने छक्के चौके मारे हैं। छक्के चौके छोड़, मैं तो एक बॉल पे 12 रन भी मार सकता हूँ मेरी जान। आजा आजा आजा। ये पुरानी कमेंट्री सुन सुनकर मैं पक गई हूँ। बाहर जाकर सो जाओ, चलो निकलो। मैं क्यों बाहर जाऊँ? हाँ, मैं और दिव्या यहाँ सोएंगे। तो फिर मैं बाहर। हे भगवान हे भगवान। और छोटे, कितने सालों से चल रहा है तुम दोनों में? ज्यादा दिन नहीं हुए सर, यही कोई 5-6 महीने हुए होंगे। अरे ऐसी बात है तो मैटर तो सब खत्म कर दिया होगा तूने। सर ये आप कैसी बातें पूछ रहे हो? आजकल के लड़के लड़कियों का पहला मैटर तो वही होता है ना। उसके लिए प्यार करने की क्या जरूरत है, पैसे दो तो हर गली में मिल जाएगा। पता है दिल से कौन प्यार करता है, सब गली के चक्कर में रहते हैं आजकल। क्यों सर, गली के लव के बारे में आपका बहुत एक्सपीरियंस है। अरे ऐसा कुछ नहीं है छोटे, मेरे घर में हमेशा मटन बिरयानी तैयार रहता है, तो बाहर खाने की जरूरत क्या है छोटे। अच्छा चल चुपचाप सो जा, बहुत रात हो गई है, बहुत बात करता है तू मेरी बीवी की तरह। सुबह बहुत काम है मुझे। दिव्या क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? ओ घर की याद आ रही है, ये सब तो घर से भागकर आने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। तुम्हारे बड़े पापा से तुम डरती हो क्या? वो पॉलिटिकल लीडर है, जो चाहे वो कर सकते हैं आंटी। मेरे मम्मी पापा हुबली में रहते हैं और मैं बैंगलोर में, पढ़ाई की वजह से बड़े पापा के साथ रहती हूँ मैं। अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। हिम्मत मत हारो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रो मत, अपने आप को संभालो,
और सो जाओ। सो जाओ दिव्या, सो जा। मुझे बेवकूफ बनाकर देखा कैसे भाग गई वो। ये आपकी वजह से हुआ है। उन दोनों को यहाँ बुलाकर बात करनी चाहिए थी ना। उन लोगों को देखकर आप मारते ही चले गए। अब उसके माता पिता को क्या जवाब देंगे? और क्या जवाब दूंगा, जो हुआ है वही कहूंगा। दोनों ऐसे भाग जाएंगे किसने सोचा था? उन दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। एक रोड पर रहने वाले आवारा से प्यार करेगी तो कौन चुप रहेगा? हाँ भाई, अब रवि, अब वो क्या है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों भैया, क्या हुआ? भैया ये दिव्या कैसी है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दिव्या को कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस कल तुम यहाँ आ जाओ, तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। इतना सेंट मारता हूँ फिर भी मुर्गे की बास नहीं जाती है। हमारे घर में जितनी मुर्गी है सबको सेंट मारना चाहिए। चल मेरे साथ। हम चलते हैं सर। हैं? लेकिन क्यों? हम वापस चले जाएंगे सर। तू अभी गया ना तो इसके घर वाले तेरे हाथ पैर काट के लंगड़ा बना देंगे तुझे। वैसे भी और कितने दिनों तक रहेंगे, और हम भागकर तो नहीं आए ना सर। देख छोटे, तुम्हारे हिसाब से तुम लोग भागकर नहीं आए हो, लेकिन उनके हिसाब से तो भागकर आए हो ना। देखो अभी इसके घर वाले बहुत गुस्से में होंगे, तुम लोग दो दिन यहीं रुको, उसके बाद मैं इसके घर जाकर सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाऊंगा, ठीक है? अरे, इतने साल हो गए मेरे बाप को नहीं मना पाए तो इसके बाप को मनाओगे तुम? तू खुद को क्या तोप समझता है क्या? तेरी बात वो क्यों सुनेंगे, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। चल तूने मुझे हरा-गरा समझ रखा है क्या? अच्छा सुन, कितनी बार बोला है कि जब दो लोग बात करते तो बीच में मत बोला कर। कहाँ है मेरा डंडा? चल निकल यहाँ से। रात को देख लूंगा तुझे, पकड़ो इसे। देख छोटे, तुम लोगों के यहाँ रहने से मेरा कुछ भी कम नहीं होने वाला है, सिर्फ दो मुर्गियों के अलावा, और उसकी चिंता तुम छोड़ दो। अभी मेरे साथ चलो, चलो इसे यही रहने दो, तुम यही रहना है। चलो आता हूँ। क्या करें? अब तो आ ही गए हैं, तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते हैं। ठीक है, मैं जाके आता हूँ। ख्याल रखना। तुम्हें गलतफहमी हुई है दिव्या, वो हमेशा ऐसे ही बड़बड़ करते हैं। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार को दिल में छुपाकर क्या फायदा आंटी, जब खुलकर बताएंगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा। देख छोटे, सिर्फ मुंह से बताने से प्यार प्यार नहीं होता, बल्कि हमें ये दर्शाना पड़ता है कि हमें उसके साथ जीना कैसे है, समझ गए छोटे? अब देखो, मेरी बीवी को जब जो दिल करता है वो बना करके खाती है। हम साथ में दो दिन बाहर घूमने जाते हैं और एक दिन सिनेमा भी देखते हैं। अगर मैं इनसे कोई चीज मांगू तो वो तुरंत मुझे ला कर देते हैं। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बिठा कर घर के सारे काम वही करते हैं, मुझे रेस्ट देते हैं। अब तो ही बता, सिर्फ मुंह से बोल देना ही जरूरी होता तो भला ये सब क्यों करते? सर, आप उनसे इतना प्यार करते हो तो उन्हें बेकार में मारते क्यों? वो मुझे मारते हैं वो तुम लोगों ने देखा है, मगर मैं भी उन्हें बुलाकर बहुत मारती हूँ, ये तुम लोगों ने नहीं देखा। ये सब तो चलता ही रहता है, टाइम पास। परिवार में अच्छा होने का नाटक करते हैं, लेकिन अगर जाकर उनको बेडरूम में देख लो तो ईस्ट वेस्ट मुंह करके सोए रहते हैं। मगर हमारी केस थोड़ी उल्टी है। दिव्या, शादी के इतने साल होने के बाद भी हमें बच्चा नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझ में ही प्रॉब्लम है, मगर मेरे पति ने ये सब दिल पर नहीं लिया। मुझे समझकर उन्होंने अपने प्यार में कभी कमी नहीं की, मुझे बच्चे जैसा ही समझते हैं, वो भी बच्चे हैं। हम दोनों ऐसे ही हैं, बच्चों जैसे झगड़ते हैं, साथ में खेलते हैं, सोते हैं, कूदते हैं, और ऐसे ही दिन गुजार रहे हैं हम लोग। रियली आप दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा है, आप दोनों को देखकर हमें भी कुछ सीखना चाहिए। हे रंगा, कहाँ पर है?
क्या है, कौन है ये लोग? सच सच बताओ कहाँ पर है वो? सर वो कहाँ है हमें भी नहीं पता, हम भी उसी की टेंशन में, उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्यों बोलना? रंगा को क्यों ढूंढ रहे हो? उसे खत्म करने के लिए, उसने मेरी बहन को किडनैप किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। किडनैप किया है? Hey, नाटक कर रहे हो क्या? तुम लोग उसे सपोर्ट कर रहे हो? कहीं भी जाकर छुप जाए, बचेगा नहीं हमसे, वो काट डालेंगे उसको हम। Hey, चलो। क्या ये सब? हेलो हेलो सिंगरे, मैं रंगा बोल रहा हूँ। hey, एक मिनट रुक। hey, रंगा कहाँ है तू और ये सब क्या हो रहा है? देख जब तक मैं ना कहूँ इस तरफ आना मत। ठीक है यार, रखता हूँ, सबको मेरे बारे में बता देना। ठीक है बोल देता हूँ। हाँ और एक बात, मुझे अर्जेंटली 2000 रुपये चाहिए, मेरे अकाउंट में डाल दे प्लीज। हाँ ठीक है डाल देता हूँ। आ जा। देखा छोटू, पति घर आने वाला है इसलिए दरवाजा खोल कर रखा है, इसे कहते हैं पति का डर। आ जा। ए, पति घर में आ गया, पता नहीं चला क्या? पानी लेकर आ। आती हूँ। क्या बात है मैडम, साड़ी पहनी है आज? इसे मैंने ही दी है, दूसरे कपड़े नहीं थे ना इसलिए दे दी। कैसी लग रही है ये? खूबसूरत ना? अच्छी दिख रही है। क्या, कहाँ से खूबसूरत बोल रही हो? जब ये लड़की घर में आई थी तो कितनी ब्राइट दिख रही थी, तेरी साड़ी पहनकर पूरी डल हो गई है, आंटी लग रही है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ, इसे पहनो, बहुत खूबसूरत लगेगी। है ले जाओ, पहनाओ इसे। मेरे लिए तुम क्या लाए हो? वो कैसे भूल सकता हूँ, तेरे लिए मैं जो चीज लेकर आया हूँ, कहाँ गई? क्वार्टर। ये तुम्हारी नहीं, मेरी है। आओ, ये देखो मेरी जान, हमेशा मांगती हो ना, ये लो। चिप्स है, नाइट इफेक्ट के लिए। बैगन, अगर मैं कहीं 8-10 दिनों के लिए बाहर चला गया तो बैगन चावल बना के खा लेना है, ठीक है? रखो। इसे खाने के बाद तू हमेशा फिट रहेगी। तेरे लिए गजरा, इसे पहनकर कबड्डी खेलेंगे। पहले तुम क्रिकेट खेलना सीख लो, बाद में कबड्डी खेलेंगे। पति को काउंटर देना सीख गई है, एक दूंगा मुंह घूम जाएगा, चल यहां से। आज ही कबड्डी की तैयारी कर ले, जा। अच्छा, अंदर आ जाओ, कबड्डी। रंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। तुम अभी मेरे साथ ही तो हो जानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ रंगा, पर खुश बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे बड़े पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे, यही डर सताता रहता है, और अपने मम्मी पापा को फेस कैसे करूँगी, यही टेंशन लगी रहती है। तुम भी ना पुराने जमाने के लवर्स की तरह डरती रहती हो। अरे अपने सपोर्ट के लिए न्यूज चैनल्स हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उसके बाद भी क्या डरना? देखते रहना, तुम्हारे बड़े पापा को मैं मना लूंगा। और अगर मेरे बड़े पापा मेरी बड़ी माँ शादी के लिए नहीं माने तब फिर तुम क्या करोगे रंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें मना लूंगा। पर फिर भी अगर ऐसा हो गया तब तुम क्या करोगे? तो कोई दूसरी लड़की देख के शादी कर लूंगा, और क्या। हेलो मैडम, मजाक कर रहा हूँ। अरे सुनो तो, ए धत, इतनी छोटी बात के लिए कोई रोता है क्या? तुम क्या मेरे अलावा किसी दूसरे से शादी कर लोगे? तुम्हें छोड़ के मैं किससे कैसे शादी करूँ? छे, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुमसे उस दिन भी कहा था और मैं तुमसे आज भी कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर रखा है, मरते दम तक तुम्हें निकालने का सवाल ही नहीं है। आखिरी सांस तक इस रंगा का प्यार तुम पर हमेशा के लिए रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तो भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। मजाक में भी कभी ऐसी बात मत करना रंगा, अगली बार अगर मजाक में भी ऐसी बात कही ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे माँ की कसम, अगली बार ऐसा मजाक नहीं करूंगा, ओके ना? हाँ, देखो लवर्स, इस जगह का नाम जो है नंजम्मा रखा गया है। नंजम्मा?
ऐसा क्यों वो सर? क्या है कि नंजम्मा नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी से परेशान होकर यहाँ पर आकर 5 बार कूदने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उस घटना के बाद यहाँ के लोगों ने इस जगह का नाम उसके नाम पर नंजम्मा रख दिया। बस देखना चाहोगे? नंजम्मा इको। अब कैसी है वो? कौन? और कौन सर? नंजम्मा। नंजम्मा बच्चा नहीं होने की वजह से वो यहाँ से कूदी थी, लेकिन 5 बच्चे होने के बाद वो घर में ही सेटल हो गई। देखो ये मरने वालों का सुसाइड पॉइंट है, लेकिन लवर्स के लिए लवर्स पॉइंट है। हाँ, तुम लोग आराम से यहाँ पर मस्ती करो, मुझे जरा कुछ अर्जेंट है, मैं नीचे जा करके आता हूँ। बस ये समझ लो कि गया और वापस आया, ठीक है ना? आराम से घूमो। ओके दिव्या। सर, हे, व्हाट अ सरप्राइज अशोक। हाँ सर, क्या बात है, कैसे? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों, क्या हुआ, नहीं आना चाहिए? ऐसा नहीं है सर, लव के नाम से तो आप बहुत दूर रहते थे और अब एक लड़की के साथ आप यहाँ पर। हाँ, अब तो मुझे भी तुम्हारी तरह प्यार हो गया है। मैंने आपसे कहा था ना सर कि प्यार कब कहाँ हो जाए किसी को पता नहीं होता, ये अचानक हो जाता है। इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्यार की ताकत है। करेक्ट। दिव्या, ये है अशोक, मेरे दुकान में हाईएस्ट रिचार्ज किया हुआ रिकॉर्ड इसी का है और हाईएस्ट कर्जे का भी रिकॉर्ड इसी का है। अच्छा, वो सब छोड़ो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सब कैसा चल रहा था? वो सब तो एक्सपायर हो गया। BSNL लगाया था ऐसा बोला था, उसका क्या हो गया? उससे मैंने शादी कर ली सर। शादी हो गई? हाँ, उसी लड़की के साथ। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है यार। वैसे लड़की कैसी है? अच्छी ही होगी, इसीलिए तो तूने इतनी जल्दी कैच कर लिया। हाँ सर, वो बहुत अच्छी है। वो देखिए सर, वो आ ही रही है। क्या हुआ सर, आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए? जैसे अभी आपको शॉक लग गया है ना, जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी शॉक लग गया था। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? झूठ कहा? मैंने क्या झूठ कहा गीता? आप मुझे ऐसा धोखा देंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप भी हैंडीकैप है ये सोचकर मैंने आपसे बहुत प्यार किया, झूठ बोलकर आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। ऐसी बात नहीं है गीता, यूजुअली फोन पर सभी लड़कियां कहती हैं मैं मोटी हूँ, काली हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ, ऐसा झूठ बोलती हैं। मुझे लगा तुम दूसरों की तरह मुझसे झूठ कह रही हो कि तुम हैंडीकैप हो और मैंने कह दिया कि मैं हैंडीकैप हूँ। सॉरी गीता। इट्स ओके, मैंने फोन पर आपसे प्यार, शादी ऐसी बातें की थी, उन्हें आप अपने दिल पर मत लीजिएगा। सॉरी, मैं चलती हूँ। गीता एक मिनट, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, आप हीरो के जैसे हैं। एक्चुअली मैं ही आपके काबिल नहीं हूं, इसलिए जा रही हूं। गुड बाय। गीता, गीता, गीता प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम मानो या ना मानो, मैंने बहुत सी लड़कियों से आज तक प्यार किया है, फ्लर्ट भी किया है, लेकिन जब से तुमसे बात हुई है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा जताया हुआ अपनापन, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा गीता। प्यार के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज सच्चा प्यार असल में क्या होता है मैंने तुमसे जाना। प्लीज गीता, मुझसे शादी कर लो। नहीं अशोक, आप मुझे सिंपैथी दिखाने के लिए ये सब कह रहे हैं। एक अपाहिज लड़की के लिए आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। नहीं गीता, मैं यहाँ आने से पहले मैं ये डिसाइड करके आया था कि अगर तुम सच में हैंडीकैप होगी तो भी मैं तुमसे ही शादी करता। प्लीज गीता, मेरे सच्चे प्यार को सिर्फ एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। प्लीज गीता। सर, ये है मेरी बीवी गीता। हाय गीता, ये है रंगा सर। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब मेरे मोबाइल में रिचार्ज ये फ्री में करवाते थे, हम दोनों को मिलाने में इन्होंने सेतु का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, कोई सेतु वेतु या ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भैया, आपके उस दिन की मदद से ही
आज मुझे भगवान जैसा पति मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने की हुई मदद मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। चाचा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो सब तो उसका है। वहाँ बैठ कर जो लिखता है वही होता है। हाँ भैया, आपने सही कहा। ओके सर, आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओके अशोक, ऑल द बेस्ट। जब भी बैंगलोर आओगे तो अपनी वाइफ के साथ ही आना। हाँ बिल्कुल सर, श्योर, बाय, टेक केयर। चलती हूँ, बहन, बाय बाय। बाय, आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहती हूँ। हाँ बोलिए ना, कोई बात नहीं। लड़कों का दिल बहुत नाजुक होता है, अगर उन्हें कोई पसंद आ गई तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। आप भी कभी भैया का दिल मत दुखाइएगा। चलती हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जाओ उस तरफ ढूंढो। पानी चाहिए। दूर तरफ जा, ठीक है भाई, चलो।
हेलो बोलो क्या हुआ? वो भाग गया भाई। हाय! तुम कैसे करोगे, क्या करोगे ये मैं नहीं जानता। मुझे तो बस उस लड़के की लाश चाहिए, और अगर दिव्या बीच में आई तो उसे भी उड़ा देना। दोनों की लाशें मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। हम कोशिश करेंगे भाई। भैया ये आप क्या बोल रहे हो फोन पर? आप दिव्या को घर में सेफ लाने के लिए बोलने के बजाय आप उसे वहीं खत्म करने के लिए बोल रहे हो? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं पहले दिव्या को हिफाजत के साथ घर में लाना चाहता था, मगर तूने सुना ना, वो भी उस आवारा लड़के के साथ भाग रही है, और अगर वो दोनों भाग गए तो तू जानता है ना पूरे गांव में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। ये आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं भैया? अपनी इज्जत बचाने के लिए आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाएंगे? इस इलेक्शन में अगर आप हार गए तो अगले इलेक्शन में जीत जाएंगे। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बताइए? भैया पहले उन्हें फोन करो और कहो कि मेरी बेटी को कुछ ना करे। वो मेरी बेटी किसी आवारे से प्यार करी तो मैं संभालूंगा, ये मेरा मैटर, मैं देख लूंगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। देख रहे हो आप? प्यार करने वालों को क्यों दुख दे रहे हो? प्यार करना कोई गलत बात है? ओह, मैंने प्यार किया ये गलत बात है ना? माँ बाप के खिलाफ भागना भी गलत है, पर क्या करें, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, प्रेमियों का भागना कभी रुक नहीं सकता और कोई रोक भी नहीं सकता। सब भूल जाएंगे, हमने तो प्यार किया है, आपको क्या समझ में आएगा? शंका, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग किसी भी वक्त आकर हमें जान से मार सकते हैं। जान से मार देंगे? वो लोग हमें कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दिव्या मेरी एक बात मानोगी? क्या बात है बताओ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम यहां से भाग जाओ, तुम्हारी मौत में अपनी आंखों से नहीं देख सकता। प्लीज चली जाओ। प्लीज सोना, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी रंगा, और अगर मरना ही है तो हम दोनों एक साथ मरेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? 50 साल तक जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मरने की बात कर रही हो। 50 साल क्यों रंगा? इन 5 महीनों में ही हमने 50 सालों की छोटी छोटी खुशियाँ, प्यार, अपनापन सब कुछ पा लिया है। अगर हम दोनों एक साथ इस दुनिया से गए तो मुझे बहुत खुशी होगी रंगा। इसके अलावा और मुझे क्या चाहिए? खुशी से, शांति से मरूंगी, सच में। I love you so much. दयानंद मर्डर केस की फाइल दो। देता हूं सर। ये दोनों कौन है? प्यार का केस है सर। कल ये दोनों रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे पुलिस वाले इन्हें यहाँ ले आए। इनके घर वालों को बुलाकर FIR दर्ज करनी है सर। यहाँ आओ। नाम क्या है तुम्हारा?
जी रंगा सर। कहाँ से हो? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से सीधा यहाँ मरने के लिए आया हो? वहाँ मेट्रो है, उसी के सामने कूद जाना चाहिए था ना। भागने का केस है सर, दोनों घर से भाग कर आए हैं। घर वालों को इन्फॉर्म किया है? कर दिया है सर। हम जानबूझकर नहीं भागे हैं सर, इसके बड़े पापा ने अपने गुंडों से हम पर अटैक करवाया, इसलिए हम वहां से भाग कर यहाँ आ गए। हम पर यहाँ भी अटैक हुआ है सर, हम क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सुसाइड करने का फैसला किया। अनएक्सपेक्टेड मौत होती तो बेचारा कहते हैं, बुजुर्ग होकर मरे तो कहते हैं अच्छा आदमी था। सुसाइड करने वाले को डरपोक कहते हैं। मौत इंसान के पीछे पड़ी रहती, लेकिन प्यार मौत और इंसान के आगे रहता है। सही है, लेकिन हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं था सर। गन दो इन्हें। सर दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। ये लो, ले लो, ले लो, ये लो पकड़ो। उसे मारकर खुद को मार लो। तुम लोग सुसाइड करने के लिए आए हो, ट्रेन से कट के मरोगे तो बहुत दर्द होगा, इससे मरोगे तो जरा भी दर्द नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मारो 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 ना। नहीं हो रहा है ना? प्यार के लिए जान देंगे लेकिन अपनी प्रेमिका की जान नहीं ले सकता है ना? इसमें इसकी गलती नहीं है सर, एक्चुअली मेरे बड़े पापा हम दोनों को दूर कर देंगे, ये सोचकर मैंने ही इसे खुदकुशी करने के लिए कन्विंस किया था सर। कमीने बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत हमारे घर की बच्ची को भगा कर ले आया तू? हाँ चल बता। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पुलिस स्टेशन है, छोड़िए इसे। चुपचाप इसे छोड़ दो, नहीं तो सुना नहीं छोड़ो। अगर छोड़ने के लिए बोला तो छोड़ो, ये किसी के घर का वॉचमैन नहीं है, जनता की हिफाजत करने वाला पुलिसमैन है। तुम पुलिस हो तो पुलिस को कंट्रोल करने वाला पॉलिटिशियन हूँ मैं। तुझे क्या लग रहा है मैं पुलिस स्टेशन पहली बार आया हूँ? हाँ है, चुपचाप चल। एक्सक्यूज मी, ये लड़की के बड़े पापा हैं। बड़े पापा? तो माँ बाप कौन है? ये इसके पापा और वो माँ है। ये मैं हूँ सर। लेकिन ये बाप क्यों बन रहा है और ये बाकी सब कौन है? ये सब मेरे लोग हैं। ये पुलिस स्टेशन है, कोई मार्केट नहीं। मुझे एक मिनट में पुलिस स्टेशन खाली चाहिए, इन सबको जरा बाहर छोड़ के आओ। ओके सर। ए, चलो 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 बाहर चलो, निकलो। ये कोई मच्छी मार्केट है क्या? सब लोग अंदर घुसा है, चलो बाहर। तुमने अपनी राजनीति की ताकत बहुत सारे पुलिस स्टेशन में दिखाई होगी, लेकिन मेरे यहां नहीं चलेगा। बेसिकली मैं किसी के साथ कमिट नहीं होता, और अगर हो गया तो किसी को नहीं छोड़ता। ओके घर में शांति से हंसकर रहने वाली बेटी अगर खुदकुशी करने की कोशिश करती है तो सोचो जरा कि गलती कहां हुई है। मैं समझ गया सर, और आपकी बात मानता भी हूं। अगर यही हाल आपकी बहन के साथ हुआ होता तो क्या आप एक अनाथ के साथ अपनी बहन की शादी करवाते? बोलिए ना सर। तुम्हारे माँ बाप नहीं है? क्या काम करते हो? मेरा सीडी शॉप है सर। 200% सच है। माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, अगर उतना ही प्यार एक अनाथ को मिलेगा तो वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। ये बात पत्थर की लकीर की तरह बिल्कुल सच है। ये आपको नहीं पता? राजनीति करने का बहुत शौक है ना आपको? अगर ये राजनीति आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है तो फिर राजनीति में आप एक शानदार आदमी कैसे बन सकते हैं? आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा? जरा अपने लेवल पर सोचकर देखिए। एक अनाथ को तुमने एक जिंदगी दे दी, बस यही समझो। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे, मानेंगे भी नहीं, क्योंकि बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में आपको मजा आता है। ऑफिसर आप प्लीज चुप रहिए ना।
अगर आप नहीं होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ। अगर आपने उसके प्रेमी से बात कर ली होती तो वो कहीं नहीं जाती। इस विषय में मैं ही बात करूंगा, आप प्लीज चुप रहिए। ठीक है मेरे भाई, तुम्हें जो भी फैसला करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुम्हारे बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, उसने जिससे प्यार किया है अगर उससे शादी होगी तो खुश रहेगी, तो फिर आपकी बात मान के मैं इन दोनों की शादी करवा देता हूं। आप ही खुश हो ना तुम, जा ले जाओ इन्हें। जरा एक मिनट सर, एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी की एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई है, एक बार पूरी हो जाएगी तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा। कोई बात नहीं, एजुकेशन के बाद शादी करवा देना, तुम्हें मंजूर है? ठीक है सर। तो मेरा सजेशन यह है कि शादी से पहले आप इन दोनों के एंगेजमेंट करवा दीजिए, ये भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, क्या कहते हैं? हाँ चलेगा ना सर, ये तो हम कर ही सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये राजनीति वाला खुश क्यों नहीं है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, राजनीति वाले आपको पसंद है ना? हाँ, अब हाँ। तो ठीक है, खुशी खुशी जाओ। सर थैंक यू सर। अगर प्यार किया तो डरना नहीं चाहिए। हाँ सर, कैरी ऑन जाओ। हे व्हाट्सअप, हाय निशा, सॉरी डार्लिंग, बहन की एंगेजमेंट में इनवाइट नहीं किया तो मुझसे नाराज हो गई हो क्या? सॉरी यार। तुम्हें तो पता ही है मेरे डैडी मेरी गर्लफ्रेंड को लाइक नहीं करते हैं, और वैसे भी उन्हें ये पब डांस मस्ती वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आती, बस इसी वजह से मैं वहां तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाया। सॉरी आ रहा हूँ। तुमने बुलाया होता तो भी मैं नहीं आती। माय फुट, तुम्हारे डैडी मुझ जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करते, लेकिन फ्लर्ट करने वाले लड़कों को बहुत पसंद करते हैं, है ना? लड़का तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी बहन की जिसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है उसके बारे में। He's a big flirt। ये देखो। देख रही हो ना बेटी, हाँ ये है इस लड़के की असलियत। ऐसे आवारा लड़कों से अपनी बेटी को बचाने के लिए ही हर माँ बाप अपनी बेटी को सही बात समझाते हैं और उन पर कड़ाई करते हैं और ऐसे प्यार का विरोध करते हैं। जिस उम्र में तुम हो हमने भी वो उम्र देखी है। प्यार क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आवारा कुत्ते को अगर घर में लाकर पाला जाए तो वो सिर्फ गंदगी ही करेगा। मेरा रंगा फ्लर्ट करने वालों में से नहीं है बड़े पापा, मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे धोखा दे ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसी फोटोज तो इंटरनेट पर आजकल कोई भी बना सकता है बड़े पापा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डैड सिर्फ ये फोटो ही नहीं, अब मैं आपको इसकी चैटिंग दिखाता हूँ, ये देखिए। उसने स्वीट हार्ट कह के कितनी लड़कियों से चैट किया है, इसका तुम क्या जवाब दोगी? मैंने तुमसे तब कहा था मगर तुम मेरी बात मानी नहीं, अब तुम भुगतो। एनीवे आज वो कॉफी हाउस में आने वाला है, आज उसका फैसला कर ही देंगे। अरे ससुर जी आप यहाँ, कमाल है, क्या बात है? लगता है तुम किसी का वेट कर रहे थे। हाँ मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। वो फ्रेंड लड़का है या कोई लड़की है? हाँ क्या ससुर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? दिव्या ये सब क्या है? बड़े पापा जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। दिव्या मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना कि मैं खास दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वही तो, हमें जानना है कि तुम्हारा वो खास दोस्त कौन है। वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, नाम है विजय, विजय नाम है। मेरा लैपटॉप देना, फेसबुक ओपन करो। ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों ओपन करूं? जो बोला गया वो करो। हाँ
फ्रेंड्स लिस्ट में विजय कौन है हमें ये बताओ। अब मेरी समझ में आ गया कि मैटर क्या है। ससुर जी, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है और अब सारे लोग उसकी गलत गलत बातों में आ गए। मेरा जो फेसबुक फ्रेंड है विजय, वो है तो लड़का लेकिन उसने लड़की का फोटो डाल रखा है। वो सबको बकरा बनाता है। एक दिन मुझे भी बकरा बनाया और आज आपको बकरा बना दिया। विजय से चैट करते करते वो मेरा फ्रेंड बन गया। बहुत दिनों से मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाया, लेकिन आज उससे मैं मिल रहा हूँ और उससे मिलने के बाद पूछना है कि उस फेसबुक प्रोफाइल में डाला हुआ फोटो, वो लड़की कौन है, किस देश की है, ये बात किसी को भी नहीं पता चली। थोड़ी देर बाद वो खुद यहाँ आएगा, तब पता चल जाएगी। समझ गया, ठीक है उसे आने दो। हाय रंगा। हे रंगा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हे, कौन हो तुम? हे आई। नहीं भैया प्लीज, मेरे सामने से मत मारिए, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। दिव्या, मेरी बात तो सुनो दिव्या। क्या है, क्या कहना है? सारा सच मेरी आंखों के सामने है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसी बातें मत करो दिव्या, प्लीज। दिव्या, अब आगे एक शब्द मत कहना, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत हो गई है रंगा। दिव्या, दिव्या, ससुर जी, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कौन है तेरा ससुर? बोल, कौन है तेरा ससुर? हाँ, आय, तू है कौन? Hey, क्या बात करेगा उससे? बोल, क्या बात करेगा उससे? Hey, चल जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। क्या कहा था तुमने? किस देश की है, कौन है पता नहीं, लेकिन उसने तो आते ही तुझे पहचान लिया। ससुर जी, यहाँ ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी बात मानिए। तुझे पता नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में तेरे जैसे कचरे बहुत देखे हैं। हमारे घर के अंदर पांव रखने की भी तेरी हैसियत नहीं है। मैं तो तुझे दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया था। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अगर आज के बाद तूने दिव्या के बारे में सोचा भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ गया? चलो। लड़के अपने आप को बहुत दिमाग वाले समझते हैं, मगर वो समझ नहीं पाया, एक लड़की ने अगर ठान लिया तो वो उसकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। एनीवे, तुम कुछ दिन सावधानी से रहना, किसी भी वजह से तुम उसकी नजर में नहीं आनी चाहिए, ओके? उसे मिलने का कोई सीन ही नहीं है, मैंने तो उसके फेसबुक अकाउंट को कब का डिलीट कर दिया है। अब वो कितना भी ट्राई कर ले कुछ भी नहीं कर पाएगा। तूने सच में अच्छा बदला लिया है। टिट फॉर टैट। हेलो दिव्या, क्या हो रहा है ये सब? प्लीज, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। हाँ, लेकिन बात क्या हुई ये तो बताओ। मैं कह रही हूँ ना, किसी से कोई बात नहीं करनी है मुझे, प्लीज। उसने मुझे धोखा दिया। छे, उसने फोन काट दिया। मेरे हिसाब से दिव्या के घर वालों का प्लान है, वो दिव्या को तुझसे दूर करना चाहते हैं। दिव्या, दिव्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ दिव्या, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे दिव्या, प्लीज। hey, अब तू यहां क्यों आया? ससुर जी, प्लीज बस 1 मिनट। दिव्या, ये सब लोग मिलकर मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं दिव्या। ससुर जी, आपकी बेटी के लिए एक चप्पल खरीदने की हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन उसे जिंदगी भर संभालने का मुझ में हौसला है सर, कह रहा हूं सर, सच कह रहा हूं। दिव्या प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब तक मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, अब सही समझ रही हूँ। दिव्या, मुझे थप्पड़ मारो अगर नाराज हो तो, लेकिन इस तरह की दिल दुखाने वाली बातें मुझसे मत करो प्लीज। तुम उस पर भरोसा करती हो लेकिन रंगा पे भरोसा नहीं। क्या भरोसा करना है, क्यों भरोसा करूं तुम पर? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, मैं तो तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार थी रंगा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इस तरह की चूड़ियां और कितनी लड़कियों को दी है तुमने? You are a cheater.
फ्लर्ट, आई हेट यू। तुम्हारा चेहरा देखने से भी घिन आती है मुझे। प्लीज दोबारा मेरे घर की तरफ मत आना, और अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज अंधा है क्या? ए, शराब पिया क्या? अगर तू ऐसे गाड़ी चलाएगा ना तो पक्का मरेगा। संभल कर गाड़ी चला। शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं लव करके अपनी लाइफ सेट नहीं कर पाया। हेलो। हाय चंदू। Who is this? तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड बात कर रही हूँ। प्यार की बातें करो ना। कौन बोल रही हो? बताओ ना। मैं निशा बोल रही हूँ। तुम हो? बताओ कॉल क्यों किया? तुम्हारा फ्रेंड रंगा उस दिन मेरी लाइफ के साथ खेल खेला था, आज उसकी लाइफ भी केयर ऑफ फुटपाथ। व्हाट? रंगा, क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आज मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हिसाब बराबर। बाय स्वीटहार्ट। निशा, हेलो, निशा, दिव्या, मैं आया हूँ रंगा, बस 5 मिनट आ जाओ प्लीज। दिव्या आ जाओ। आओ दिव्या। साले ससुर जी, नमस्ते ससुर जी। शराब पीकर तू अंदर कैसे आया? धक्का देने को मना कर रहा हूँ। चल बाहर निकल। ए बाहर निकल। मैंने कहा हाथ छोड़। दिव्या नहीं तो जी नहीं पाऊंगा ससुर जी। अगर जी नहीं पाएगा तो जाकर मर जा, दिव्या तुझे नहीं मिलेगी। ये बात उसे बोलने दीजिए, अगर वो बोलेगी तो माँ कसम मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। वो क्या बोलेगी? मैं बोल रहा हूँ ना, दिव्या तुझे कभी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। मैंने कहा निकल। शराब पीकर यहाँ का ड्रामा कर रहे हो? तुम इतनी नीच हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो लड़की कौन है मैं नहीं जानता दिव्या, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है दिव्या, कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता दिव्या, समझने की कोशिश करो। अगर जी नहीं सकते तो जाकर मर जाओ। प्यार में धोखा देने वाले तुम जैसे लोगों से नफरत करती हूँ मैं। ऐसे शराब पीकर हमारे घर में आकर सबको परेशान मत करो। तुम चाहे जितने भी सवाल पूछ लो मुझसे, पर उन सबका मेरी तरफ से एक ही जवाब होगा, I hate you। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसे तोड़ दिया। दिव्या प्लीज, दिव्या दिव्या प्लीज। दिव्या रुक जाओ। अब जाओ यहां से। सुन लिया ना तूने उसके मुंह से? अब अगर दोबारा तू यहाँ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए प्लीज ससुर जी, प्लीज। दिव्या के बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मैं अपनी जान से ज्यादा उसे प्यार करता हूँ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ ससुर जी, प्लीज ससुर जी। तुझे तब से समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या? चल निकल यहाँ से। दिव्या प्लीज आ जाओ। दिव्या दिव्या प्लीज आ जाओ। दिव्या दिव्या Thank you.
अरे आखिर हुआ क्या है तुझे? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़की रंगा के साथ ऐसा करेगी। थर्ड क्लास। कौन है वो? निशा है यार, वो मेरी पुरानी लवर है। मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। हम दोनों की लव स्टोरी का गवाह रंगा ही है। निशा पे मैं बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। निशा के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे नेगेटिव बताया था, लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया। फिर एक दिन निशा, ये तो मेरी लवर है यार, ये क्या कर रही है? Hey, what is this? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें जान से मार देता। चंदू प्लीज ऐसी बातें मत करो। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। रंगा प्लीज अपना मुंह बंद कर। तूने इससे प्यार नहीं किया बल्कि इसके पैसों से प्यार किया। तुझे बस पैसा चाहिए, प्यार के लिए ये और मजे मारने के लिए दूसरा। मेरे चंदू की लवर थी इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। तूने तो औरत जात की सारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। रंगा मेरी बात तो सुनो। तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना यहीं पर तुम्हें मिट्टी में गाड़ देता। चंदो आओ। इन सब का कारण रंगा ही है, ये सोचकर उसने रंगा से बदला लेने की ठान ली थी। उसने मुझे खुद फोन करके बताया कि उसने रंगा की लाइफ बर्बाद कर दी। अगर सच कहूँ तो इसमें रंगा की कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत इनोसेंट है। ये सारा प्लान निशा का ही था। दिव्या तुमने बहुत बड़ी गलती की है बहन, बहुत बड़ी गलती की है। वो बहुत अच्छा लड़का है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में हमने उस लड़के को बहुत परेशान किया। चेयर अप, सबसे पहले उसे फोन करो और तुरंत यहाँ आने को बोलो। हम सब उसे सॉरी बोलेंगे। हाय दिव्या, मैं जितना भी बोलूं तुम समझ नहीं पा रही हो। मेरे दिल में जो कुछ भी है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। सुबह जंगल में उस गणेश मंदिर के पास मैं तुमसे मिलूंगा। यही वो गणपति की मूर्ति है क्या? हाँ, यही है। जय हो। कहाँ चला गया ये? चला गया ये? कहाँ चला गया? रंगा, रंगा! छे, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रंगा, रंगा, रंगा! सॉरी रंगा! रंगा, देखो मैं आ गई हूँ, आओ ना रंगा। ये रंगा का लव है जो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा, याद रखना।